वेलकम टू माय चैनल सीतू पटेल टिप्स फॉर वुमेन। और फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे आँखों की कमजोरी को दूर करने के लिए। यदि आपकी आँखें कमज़ोर हैं, आपको धुंधला दिखाई देता है, चश्मा लगता है, और यदि आप अपनी आँखों की रोशनी बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप गाय के घी का प्रयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, गाय का घी जो होता है वो आँखों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। आँखों को स्वस्थ बनाने और आँखों की रोशनी बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल है। तो नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए आप गाय के घी का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बता देते हैं कि आपको ये प्रयोग कैसे करना है। गाय का आपको ताज़ा घी लेना है, शुद्ध घी ही आप प्रयोग करें। घर पर बनाए हुए घी भी आप प्रयोग कर सकते हैं, ये ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि गाय का जो घर में आप घी बनाएंगे वो शुद्ध होगा पूरी तरीके से। तो गाय के दूध से आप गाय का घी निकाल लीजिए और एक डिब्बे में रख लीजिए, और इसका ही आपको प्रयोग करना है। ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। अगर आपको घर पर नहीं बना पाते हैं आप घी, तो मार्केट से ऐसे ब्रांड का घी लें जो कि शुद्ध हो। फ्रेंड्स, अब आपको गाय का एक चम्मच घी लेना है, और उसमें उतनी ही मात्रा में आप मिश्री मिला लीजिए, और दोनों को मिलाकर आपको रोज़ इसे खाना है। रेगुलरली आप यदि इसका प्रयोग करते हैं, 3 महीने तक अगर रेगुलरली इसे खाते हैं, तो आपकी आँखों की जो कमज़ोर रोशनी है वो बढ़ जाएगी, यानी कि आँखों की ज्योति बढ़ाने में ये जो प्रयोग है काफ़ी ज़्यादा कारगर है। फ्रेंड्स, घी वैसे भी, जैसे मैंने कहा कि गाय का जो घी होता है वो आँखों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, आँखों की रोशनी बढ़ाने में फ़ायदेमंद होता है। इसके साथ ही आँखों को स्वस्थ रखने में भी काफ़ी हेल्पफुल है। यदि आप अपने खाने में गाय का घी का प्रयोग करते हैं, किसी और वनस्पति ऑयल या वनस्पति घी की जगह अगर आप गाय के घी का प्रयोग करते हैं, तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। इसके साथ ही आँखों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी आँखों की रोशनी कमज़ोर हो गई है, और अगर आप उसे वापस ठीक करना चाहते हैं, आँखों की रोशनी बढ़ाना चाहते हैं, तो आप ये प्रयोग रेगुलरली 3 महीने करके देखिए, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस तरह की और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन को जरूर ऑन कर लें, ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आएँ, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें।